सब एक मामला बड़ा जोर शोर से पलवल में अब फिलहाल चर्चा में है लोगों के, कोई बैंक घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक में कोई घोटाला हुआ, क्या आपको जानकारी है उस बारे में? हाँ पत्रकार बंधु मेरे, आपको मैं बहुत एक मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, मेरे अपने सोर्सेज हैं, पार्टी के भी साथी हैं हमारे, सभी इन चीज़ों में लगे हुए हैं। एक रामी उर्फ राम प्रकाश हैं अमरौली से, वो सरपंच भी रह चुके हैं और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर रह चुके हैं, जो फिलहाल पद पर नहीं है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने दोनों बेटों को तो क्लर्क के तौर पर वहाँ पर लगा लिया अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो जिसमें से अभी एक 186 नंबर FIR है जो 20 तारीख को अभी अभी FIR हुई है, तो उसमें शुभम जो उनका एक लड़का है उसका नाम आया, जिसका घोटाला है 20,86,000 का। तो इस तरह के घोटाले बीजेपी के हाल में हो रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि 9 साल में सुशासन दिया और उसकी तर्ज पे ये रैली करने जा रहे हैं टोल पर, जिसे हमने काले झंडे दिखाने का प्लान बना लिया है, क्योंकि उनसे हमारे जवाब होंगे, सवाल होंगे और वो जवाब दे नहीं पाएंगे। अभी मैं कृष्णपाल गुर्जर जी को कल भी एक स्टेटमेंट में देख रहा था, जब उनसे पूछा गया कि फ्लाईओवर जो रसूलपुर रोड पे बन रहा है रेलवे ओवर ब्रिज, जिसमें डेडलाइन 6 बार दे चुके हैं, 5 साल उसको वक्त गुजर चुका है, 4 मौत भी उसमें हो चुकी हैं अभी तक, जिसके लिए बड़ा गैर जिम्मेदाराना जवाब वो देते हैं कि इसके लिए एफिडेविट दूं क्या आपको मैं? तो आप इस सोचिए कि जो बीजेपी के मदमस्त होते हुए नेता हैं, इनके खट्टर की खटारा सरकार में जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये तो मदमस्त हाथी की तरह घूम रहे हैं, सत्ता के नशे में मदहोश हो रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम इन लोगों को काले झंडे दिखाएंगे, ये अपनी रैली इनकी 25 तारीख को टोल पर है, काले झंडे को इनको दिखाने की तैयारी। राव साहब, जो कोऑपरेटिव वाला मामला है उसके बारे में विस्तार से बताएं, आप उसको घूम करके उस पर चले गए तो क्या पार्टी स्तर पे? देखिए, हम इसे आवाज ही नहीं उठाएंगे, FIR इसमें हुई है और उस FIR पे जैसे ही कार्रवाई, इन्होंने एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं किया है, हम लोग जल्दी थाने के सामने भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और इसमें एक सत्ता दल का एक विधायक का कोई करीबी है, उसका भी नाम 120B में आने वाला है, और देखिए आप जैसे ही अरेस्ट होंगे तो कार्रवाई निश्चित है, तय है। कोर्ट का सारा भी लेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोर्ट का सारा भी लेंगे क्या? कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा सर। ये जिस रामी उर्फ राम प्रकाश का मैं कह रहा हूँ, ये उसका फोटो है, ये माननीय कृष्ण पाल जी के साथ, ये रामी उर्फ राम प्रकाश है, ये अमरौली गांव से पहले सरपंच भी रह चुके हैं, और जिसका नाम आया है वो है शुभम। इस पे घोटाले के आरोप हैं, 20,86,000 का, ये शुभम नाम है इसका। तो कृष्ण पाल जी कि सरपरस्ती में ही मुझे तो महसूस होता है कि इस तरह के यहाँ पे घोटाले होते रहे, नगर परिषद में भी उसी तरह के घोटाले हैं, रोडें बनती हैं एक साल में उखड़ जाती हैं, तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ कि इन्होंने भ्रष्टाचार की अति कर रखी है। जल्दी इस तरह की सरकार को जनता देख रही है, उखाड़ फेंकेगी, 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। कोई जो 20 लाख का घोटाला बता रहे, इसमें कोई आगे और भी परतें खुल सकती है? अभी पढ़ते हैं, इस तरह खुलेंगी कि एक विधायक हैं हमारे पलवल से, तो उनके बहुत करीबी, उनके फाइनेंसर भी कहे जाते हैं वो, तो उनका नाम भी इसमें 120B में आने वाला है। आप देखिएगा, अगर जांच सच्चाई और निरपेक्ष तरीके से हुई तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, और आगे आप देखेंगे कि विधायक के करीबी लोग शिकंजे में आएंगे, जेल के अंदर जाएंगे। महावीर जी, एक मामला बड़ी चर्चा में है पलवल में, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का कोई मामला दर्ज हुआ है, तो क्या आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? जी कुंडू साहब, एक मामला हसनपुर थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसका FIR नंबर 186 है। वो कोऑपरेटिव बैंक का एक मामला है, जिसमें डिपार्टमेंट ने ही इंक्वायरी करी है, डिपार्टमेंट के ही 6 आदमियों द्वारा इंक्वायरी हुई और एक FIR दर्ज हुई है। उस FIR में क्लियर दिखाया गया है कि उसमें पहले जो है लाखों का घोटाला थोड़ा थोड़ा चलता रहा, फिर 20 लाख कुछ का घोटाला हो गया, वो बढ़कर 32 लाख पहुंचा, आज वो 52 लाख भी दिखाया गया FIR में, लेकिन वो बढ़कर करोड़ों में पहुंच चुका है। और ये घोटाला बिना सत्ता पक्ष के मिली भगत के नहीं हो सकता। एक डाटा ऑपरेटर है जिसकी मिली भगत से ये हुआ है, और वो डाटा ऑपरेटर जो है बीजेपी का आदमी है, उनका मैं फोटो दिखाता हूँ, देखिए कृष्ण पाल गुर्जर जी के साथ उनके परिवार के फोटो हैं, ठीक है ना? और बिना सत्ता पक्ष के इंक्वायरी हो नहीं सकती, ये आदमी जो है बीजेपी के आदमी है ये।
आज बीजेपी वाले अपना वो दिखाएं, दिल दिखाएं, जो भी इसमें आता है उसको गिरफ्तार करें। जब एक FIR दर्ज हो गई है, इतना बड़ा घोटाला है, तो इसमें गिरफ्तारियां होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता इसमें सिर्फ ये डाटा ऑपरेटर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि करोड़ों के घोटाले कर देगा। इसमें जरूर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के बड़े वो भी मिलेंगे, नेता भी मिलेंगे और अधिकारी भी मिलेंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जो बीजेपी में रहते हैं उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होती नहीं है, वो दूध के दूल्हे माने जाते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे दिल अपना मंत्री जी का, कृष्णपाल गुर्जर जी का, अपने विधायक जी का, कि वो इसकी इंक्वायरी किस हद तक करवाते हैं और इनको गिरफ्तार करवाते हैं या नहीं करवाते। बीजेपी तो कहती है 9 साल 2 साल और हमने तो भ्रष्टाचार को ये आपके सामने FIR है, 186 FIR नंबर है, हसनपुर थाने में ये दर्ज है। किसी को भी इसकी कॉपी चाहिए तो वो डाटे से निकलवा सकता है। मैंने फोटो दिखाई आपको, बताया कृष्णपाल गुर्जर जी के ये आदमी हैं और ये उनके साथ फोटो, उनके परिवार के, बीजेपी के सत्ता के पक्ष के आदमी है ये रहे। बताइए आप, अगर नहीं है तो मैं दावा करता हूँ ये उनके आदमी ना हो तो। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इतना करोड़ों का घोटाला कर दे वो। फिर क्या डाटा, आप बार बार यही बात कह रहे हो, तो क्या लगता है आपको कि इसकी इंक्वायरी जो है अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। अच्छे लेवल का मतलब है इसमें निष्पक्ष जांच एक किसी रिटायर्ड जज से होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी में जो शामिल रहते हैं हमें उम्मीद नहीं रहती है, मजाक बन के रह गया है। अब ये रह गया कि कोई भी आदमी बीजेपी में जो हो वो गिरफ्तार नहीं होगा, जैसा आपने पहलवानों वाले केस में देख लिया, जैसे और केसों में देखा, यदुरप्पा हो गया, वो बड़े बड़े कोई भी इसमें फंसता है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता और वो बाई कादा बरी कर दिए जाते हैं। तो ये देखिए ये डाटा, ये एंट्री हो उनके फोटो। आप कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हो और कांग्रेस के एक सीनियर लीडर के आप बड़े समर्थक हो, करीबी हो, तो आप पार्टी लेवल पे आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें? ना इसमें हम ज्ञापन भी देंगे, अगर कोई है तो हम ज्ञापन देंगे कि इसकी इंक्वायरी निष्पक्ष हो, इसमें कोई पक्षपात ना किया जाए, जिसका दोष हो पकड़ा जाए। सरकार का पैसा है ये, सरकार की पैसा है, सरकारी पैसा किसी के जेबों में भरने के लिए थोड़ा ना होता है कि जेबों में भर दो किसी के। करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ हुआ बैठा है और इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ मिलेगा। ज्ञापन देंगे वो पार्टी के तौर पे देंगे या फिर? ना पार्टी के तौर पे देंगे जी, पार्टी के तौर पे देंगे हम। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।